अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रयान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 12.8 पॉइंट एट का सब टॉपिक लेंस टर्मिनोलॉजी तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ जी तो हम इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंस के बारे में पढ़ा कि लेंस किस चीज से मिलकर बने होते हैं ठीक है ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है ये और Uh, इसकी टू सरफेसेस होती हैं और फर्दर हमने इसकी टाइप स्टडी की थी कि ये दो टाइप्स के होते हैं कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ठीक है आज हम स्टडी करेंगे लेंस टर्मिनोलॉजी तो पहली जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है जैसे हमने मिरर के केस में स्टडी किया था कि लेट्स पोज ये मिरर है ठीक है तो इसके सेंटर से जो लाइन पास कर रही थी वो लाइन हमने कहा था वो लाइन प्रिंसिपल एक्सेस है ठीक है, सेंटर से कि जो पोल से और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास करेगी दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ठीक है अब इस केस में क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है हमने स्टडी किया था कि लेंस जो है वो बेसिकली टू सरफेस से मिलकर बना होता है दैट मीन के टू स्फेयर जो हैं जब मैंने उनको ज्वाइन किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो ओवरलैप वाला पोर्शन है ठीक है दैट पोर्शन इज कॉल्ड लेंस ठीक है इसको हमने कहा था कि ये जो ये वाला पोर्शन है ये पोर्शन इसका कहलाएगा लेंस ठीक है अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ऑब्वियसली देखेंगे अगर ये एक सर्कल है तो इस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा लेट्स पोज ये है ये एक सर्कल है इस सर्कल का भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा लेट्स पोज ये है ये ठीक है अब द लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर द लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर ठीक है दैट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सेस ठीक है वो लाइन जो इन दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी ठीक है उस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस आई होप आपको ये प्रिंसिपल एक्सिस क्लियर हो गया होगा अब हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं दैट इज ऑप्टिकल सेंटर अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ठीक है मिरर के केस में हमने इसमें स्टडी किया था कि अगर एक मिरर जो है हम ड्रा करें ठीक है लाइक दिस ठीक है अब मेरे के केस में ये जिसका सेंटर्ड पॉइंट था पॉइंट कॉल्ड पोल ठीक है अब इसमें बेसिकली हम ऑप्टिकल सेंटर को स्टडी करने जा रहे हैं अब पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सेस पहले हम प्रिंसिपल एक्सेस ड्रॉ करते हैं अब हमने इसमें प्रिंसिपल एक्सेस जो है वो ड्रॉ करना है ठीक है लेट्स सपोज के ये मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ लेंस प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर एक पॉइंट और वो जो कि लेंस के सेंटर में हो ठीक है दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर क्लियर ठीक है इस पॉइंट को हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर क्लियर नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है आपने जब हम मिरर के केस के हम स्टडी कर रहे थे ठीक है मिरर के केस में आपने ये स्टडी किया था कि लेट्स सपोज एक मिरर हम इस तरह ड्रॉ कर देते हैं ठीक है अब इसमें जब रेज जो है वो इस तरह के स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और सेम ऐसे इधर से आकर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ठीक है तो ये जो इसका पॉइंट जहां पर आके ये मीट कर रहे हैं ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस लेट्स सपोज कि ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है ठीक है अब प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां पर आके ये मीट कर रहे होते हैं उस पॉइंट को हमने कहा था कि ये है इसका प्रिंसिपल फोकस ठीक है अब अगर हम लेंस के केस में स्टडी करें कि लेंस के केस में प्रिंसिपल फोकस क्या है ठीक है द रे लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकल पॉइंट एफ ठीक है अब यहां आपको एक कन्वेक्स लेंस नजर आ रहा है ठीक है अब इस लेंस में हमने पैरल रेज इंसिडेंट करवाई है किसके पैरल रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरल हमने कुछ रेज जो है वो इंसिडेंट करवाई इसके ऊपर ठीक है और आप देख सकते हैं कि वो रेज जो है वो फर्दर रिफ्रेस्ड होकर बेंड होकर वो आगे आपस में ज्वाइन हो रही हैं ठीक है तो जिस पॉइंट पर वो मीट कर रही हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस या उसको हम कहेंगे फोकल पॉइंट ठीक है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं अब अगर हम इसकी फर्दर डेफिनेशन दोबारा स्टडी करें द लाइट रेज ट्रेवलिंग पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज जो कि पैरल ट्रेवल कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के ऑफ अ कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रेक्शन मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है वो मिल रही है दोबारा एक प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट पर आकर वो मीट कर रही है ठीक है उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस ठीक है अब हमने एक और केस स्टडी करते हैं जिसमें हम एक लेंस यूज करते हैं अगर आप कंकेव लेंस देखें तो कंकेव लेंस में आप ये देख सकते हैं कि जब पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रही हैं तो ये फर्दर डाइवर्ज हो रही हैं ठीक है ये फर्दर डाइवर्ज हो रही हैं तो दैट्स मीन

कि कन्वेक्स लेंस में आपका जो प्रिंसिपल फोकस बन रहा है वो नेगेटिव साइड पे है, lens, है? तो है और जो आपका ठीक है आई होप आपकी ये दोनों डायग्राम्स क्लियर हो गई होंगी आपको ये समझ आ गया होगा किस से जो है वो रेज जाके स्ट्राइक करती हैं और फर्दर बेंड होकर वो प्रिंसिपल फोकस बनाती हैं ठीक है अब हम नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है फोकल लेंथ अब फोकल लेंथ क्या होती है ठीक है जैसा कि आपने अभी स्टडी किया था कि कि लेट्स ये एक कन्वेक्स लेंस है ठीक है अब इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर ये मैंने एक ड्रॉ कर दिया प्रिंसिपल एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस का ऑप्टिकल सेंटर यहां पर एक पॉइंट है लेट सपोज ये है फोकल पॉइंट और ये है ऑप्टिकल सेंटर ठीक है तो अब ये जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान वाला जितना भी फासला है ये वाला ठीक है ये डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ क्लियर अब अगर हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करें दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ठीक है फोकल लेंथ आपको क्लियर हो गया डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ ठीक है और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ के साथ क्लियर अब अगर हम एक लास्ट टर्मिनोलॉजी स्टडी करें दैट इज पावर ऑफ अ लेंस पहले तो बात की कि लेंस यूज कहां होते हैं लेंस ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया था कि आई ग्लासेस भी इसके बनते हैं ठीक है और माइक्रोस्कोप में भी यूज होते हैं टेलीस्कोप में भी यूज होते हैं आपने अक्सर सुना होगा कि वो कहते हैं कि यार ये इसकी एनक का नंबर क्या है इसकी ग्लासेस का नंबर क्या है तो वो कहते हैं कि यार इसका ग्लासेस का नंबर माइनस वन है इसका प्लस वन है इसका माइनस थ्री है इसका प्लस थ्री है ठीक है इस तरह से हम जब नंबर बता रहे होते हैं तो बेसिकली ये जो नंबर है दैट इज द पावर ऑफ अ लेंस लेंस की कितनी पावर है ठीक है और हम ये जो माइनस uh, वन कह रहे होते हैं या प्लस वन कह रहे होते हैं तो माइनस शोज कि कौन सी टाइप का लेंस है ठीक है एंड प्लस शोज कि कौन सी टाइप का लेंस है तो ये जो साइन है ये भी शो कर रहे हैं कि कौन सी टाइप का लेंस आप यूज कर रहे हैं अब हम ये स्टडी करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि हम बेसिकली किस चीज की बात कर रहे हैं ठीक है पावर ऑफ अ लेंस इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर ठीक है कि हम किसी भी लेंस की पावर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आपके पास जो भी फोकल लेंथ आ रही है ठीक है उसको हम वन से डिवाइड कर दें ठीक है तो हमारे पास पावर ऑफ अ लेंस आ जाएगी ठीक है अगर आपका फोकल लेंस हम मीटर में मैयर करते हैं अगर आपकी फोकल लेंस जो है वो वन मीटर है ठीक है तो हम इसको अगर वन से डिवाइड कर दें तो आपकी पावर ऑफ लेंस क्या आ जाएगी वन आई होप आप क्लियर हो गया होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पावर ऑफ लेंस पी से वन बाय एंड फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से ठीक है अब हम इसका यूनिट स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ सो so, तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट है डायोप्टर, ठीक है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं और वन डायोप्टर जो है दैट इज इक्वल टू वन पर मीटर ठीक है क्योंकि हमने भी स्टडी किया कि पावर ऑफ लेंस जो है दैट इज इक्वल टू वन बाय एफ ठीक है अब लेट्स के मेरे पास फोकल लेंस जो है वो है वन मीटर ठीक है तो ये चीज ऊपर जाकर ये बन जाएगी वन पर मीटर और पावर ऑफ लेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायोप्टर से तो जब जितने पर मीटर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पावर है वो आ जाएगी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डायोप्टर ठीक है पावर का जो यूनिट है दैट इज डायोप्टर क्लियर अब अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करें फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव सो पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव ठीक है तो ये हमने सेकेंड बोर्ड पर भी स्टडी किया था कि कन्वेक्स लेंस जो है वो क्योंकि पॉजिटिव होता है उसकी फोकल लेंस जो है वो पॉजिटिव बनती है ठीक है दैट्स फाइव उसकी पावर जो है वो भी पॉजिटिव होगी ठीक है और अगर हम कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है तो इसलिए हम इसे कहेंगे उसकी पावर जो है वो भी नेगेटिव है ठीक है तो आई होप आप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लेट्स बात करें कि इसकी सतें का नंबर जो है वो माइनस वन है तो माइनस शोज कि हम किसकी बात कर रहे हैं कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं ठीक है अगर हम कहते हैं किसकी ग्लासेस का नंबर जो है वो प्लस वन है तो पॉजिटिव शोज कि हम किसकी बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं ठीक है आई होप आपकी लेक्चर क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर अल्लाह हाफिज